हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ, ये जो नेजल स्प्रे है उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सर्दियां आ गई है और सर्दियों के आते ही सबसे पहले जो प्रॉब्लम होने लगती है वो होती है नाक बंद, जुकाम और सर्दी। ये बहुत ज़्यादा आम समस्या होती है सर्दियों के आते ही। तो अगर आपको भी नाक बंद हो रही है और जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है और सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आज इस नेजल स्प्रे का मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ और क्या ये सच में रिलीफ देता है आपको जो नाक बंद हो जाती है उसमें, फास्ट रिलीफ देता है या नहीं। तो ये जो क्लेम कर रहा है वो कह रहा है कि 25 सेकंड में ये आपकी बंद नाक को खोलता है और आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देता है सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही होती है उसमें। तो ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये मेडिकल स्टोर्स पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो स्प्रे है सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, यानी कि 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये नेजल ड्रॉप नहीं है और 12 साल से ज़्यादा के लिए ही ये यूज़ करना चाहिए। इसका जो प्राइस आपको मिल रहा है वो है 170 रुपीज़ में आपको ये मिल रहा है। तो काफ़ी मतलब सही है प्राइस, कोई इतना ज़्यादा तो नहीं है इसका। 3 इयर्स की सेल्फ लाइफ के साथ मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ज़्यादा जल्दी आपको यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाती हैं। और इस नेज़ल ड्रॉप का जो यूज़ है आपको सिर्फ 3 मतलब दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा अगर करते हैं तो आपको नाक में सूजन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है, तो आपको अपने एकदम साफ़ नाक में इसको यूज़ करना है। आप इसको यूज़ करने से पहले अपने नाक को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद इसकी अगर आप बच्चों को 12 साल से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं तो 1-1 ड्रॉप आपको इसको उनके नाक में डालनी होती है। अगर आप लेट के इसको नाक में डालते हैं तो इजीली ये चला जाता है, और थोड़ी देर तक इसको अपने नाक में रहने दीजिए और एकदम इसको डाल के नाक को पोंछना नहीं है, उसको नाक में रहने दीजिए। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से रिलीफ देता है जो आपकी बंद नाक हो गई है उसमें, और सोने में जो दिक्कत हो जाती है जुकाम के कारण तो वो नहीं होगी और आपको ईजीली इससे रिलीफ मिलेगा और आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। तो और इसको जो आप 3 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, दिन में सिर्फ 2 बार से ज़्यादा आपको इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसको साइड इफ़ेक्ट्स के हो सकते हैं। और किन किन लोगों को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर आप हैं, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं, आपको अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो इन केसेस में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आपको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है और आप पिल्स लेते हैं तो आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की गंभीर बीमारी है तो उसमें आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन है काफ़ी मुझे इफ़ेक्टिव लगा, और ये 10 ml का आपको मिल जाता है और प्राइस वाइज भी ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका ब्लॉक नोज जो हो जाता है बहुत अच्छे से इसे खुल जाता है और तुरंत ही आपको आराम मिल जाता है, क्योंकि दवाइयों में क्या होता है ना, दवाई लेने के बाद भी एकदम से आराम नहीं मिल पाता है जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम में, बंद नाक की प्रॉब्लम में। एकदम से आपका नाक दवाई लेते ही तुरंत नहीं खुल जाता है, दवाई भी अगर आप 1 से 2 दिन लेते हैं उसके बाद ही आपको फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपको तुरंत थोड़ा आराम मिल जाता है तो आपको परेशानी जो होती है आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी सही लगा है, आप इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए। 3 दिन से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कीजिए, और डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, डॉक्टर की सलाह से लीजिए। वैसे आपको ईज़िली वैसे ये उपलब्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा इसको डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना चाहिए और हमेशा अपने साफ नाक में ही इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको इसको यूज़ करने के बाद किसी तरह की परेशानी हो रही है, जैसे कि छींकें आ रही हैं, और साथ साथ अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो इसका यूज़ आपको बंद कर लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है।
आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।